Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aap dekh rahe hain Islamic 786 TV official YouTube channel. Dosto, aaj ab hum aapko ek Urdu kahani wafadar kutta. Purane zamane ki baat hai ki ek dafa डाड़ियारो पहाड़ की चोटी पर एक ब्रोही नौजवान अपनी कदाल से कब्र खोद रहा था। वो दुख से नडाल था और पसीने में डूबा हुआ था। कब्र खोदने के बाद उसने एक बोरी खोली। बोरी में एक कुत्ता था। उसकी आंखें बंद थी। उसके जिस्म में ज़िंदगी की कोई अलामत ना थी। वो बेचारा इस जहां में नहीं रहा था। नौजवान ने उस कुत्ते को कब्र में लिटा दिया और उसके ऊपर पत्थर रखने लगा। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ब्रोही नौजवान ने अपने वफादार कुत्ते की कब्र पर आखिरी पत्थर रखा। कुछ देर बाद वो उठा और धाने मार मार कर रोने लगा। सिर्फ वादियाँ और पहाड़ ही उसकी आवाज़ सुन सके। उसने पूरा दिन वहाँ गुजारा और शाम को रोता हुआ अपने घर चला गया। घर में भी उसे सुकून करार ना मिल सका। उसे अपने वफादार कुत्ते के साथ गुजरे हुए दिन बहुत याद आने लगे। पहाड़ के नीचे ब्रोही नौजवान एक पहाड़ी गांव में रहता था। एक दिन उसने छोटे से कुत्ते को पहाड़ों में भटकते हुए देख लिया। ये छोटा सा कुत्ता बहुत ही खूबसूरत था। नौजवान ने उसे पकड़ लिया और झोंपड़ी में ले आया। नौजवान इसका बहुत ख्याल रखने लगा। कुत्ता जवान हो गया। वक्त गुजरने के साथ ब्रोही नौजवान और कुत्ते का प्यार बढ़ने लगा। वो दिन रात मालिक के साथ रहता था। पूरी वादी में उनके प्यार और मोहब्बत के चर्चे होने लगे। गांव में एक दुकान थी जहां ज़रूरत का सामान मिल जाता था। नौजवान इस दुकान से घर के लिए सोडा सल्फ लेने कुत्ते के साथ उसकी दुकान पर अक्सर जाया करता था। एक साल खुदा का करना ऐसा हुआ कि बारिश ना हुई। जाहिर है कि बारिश ना होने के बायस फसल ना हो सकी। नौजवान ने दुकानदार से कहा कि एक साल तक उसे उधार सामान दिया जाए। कुछ सोच कर दुकानदार ने कहा वो अपना कुत्ता कर्ज की अदाई तक यहाँ जमानत के तौर पर छोड़ जाए। गरीब और मजबूर नौजवान को ऐसा ही करना पड़ा। अपने कुत्ते से जुदा होने का उसे बहुत अफसोस था। वो ज़मीन पर बैठ गया। उसने कुत्ते के कान में कहा अपने नए मालिक से वफादार रहना। जब तक मैं कर्ज अदा न करूं, वापस हरगिज न आना। मासूम जानवर की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने मालिक का दुख शिद्दत से महसूस कर रहा था और अपने आप को नए मालिक के साथ आर्जी तौर पर रहने को तैयार कर रहा था। नौजवान अपने वफादार कुत्ते को दुकानदार के हवाले करके अपने गांव चला गया। दुकानदार ने कुत्ते के गले में जंजीर डाली और उसे अपने घर ले आया। बेचारे कुत्ते ने पहले तो कभी जंजीर देखी ही नहीं थी। उसे अजीब सा लग रहा था, फिर भी उसे अपने नए मालिक के साथ वफादारी करनी ही थी। दिन गुजरते गए। ब्रोही नौजवान ने अपने खेतों को बड़ी मेहनत से तैयार किया। उसे इंतज़ार था कि बारिश हो और फसल अच्छी हो जाए ताकि वो कर्ज उतार कर अपने कुत्ते को वापस घर ले आए। एक रात दुकानदार के घर में चोर घुस आए। चोर दुकानदार की पूरी नकदी जेवरात और दूसरा कीमती सामान चुरा ले गए। कुत्ता जंजीर में बंधा हुआ था, लिहाजा मजबूर था। वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। दुकानदार जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। उसने फौरन कुत्ते को जंजीर से आज़ाद किया। कुत्ता चोरों के पीछे दौड़ा। चोर गांव के बाहर नदी के किनारे पहुंच गए थे। कुत्ते ने उनको घेर लिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चला आया। उसके साथ ही गाँव के पूरे सारे लोग भी लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ लेकर वहाँ आ गए। इस तरह चोर वहीं सामान छोड़कर भाग गए। दुकानदार के कुत्ते के इस कारनामे पर बेहद खुश हुआ और कुत्ते को आज़ाद करने और अपने असल मालिक के पास वापस भेजने का इरादा कर लिया। तुम्हारे वफादार कुत्ते ने मुझे बेहद खुश कर दिया है। उसने मेरी कीमती चीज़ें नकदी और साजो सामान
चोरी होने से बचा लिया है। मेरे ख्याल में तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। अब तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारे कुत्ते को आज़ाद करके तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ। दूसरे दिन दुकानदार ने कुत्ते के गले में यह पर्ची डाली और जंजीर खोलकर कुत्ते को अपने पुराने मालिक के घर जाने का हुक्म दे दिया। कुत्ते ने खुशी खुशी अपने पुराने मालिक के घर की तरफ रवाना दौड़ना शुरू किया। वो पहाड़ी रुकावटों को पलांगता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नज़र अपने पुराने बहुई मालिक पर पड़ी। अब के बार बार बारिश खूब हुई तो फसल भी अच्छी हुई। बहुई नौजवान ने अनाज बेचकर कर्ज के पैसे देने का इंतज़ाम कर लिया था। वो दुकानदार की तरफ ही आ रहा था। दोनों का आमना सामना हुआ। कुत्ता खुशी से दुम हिलाने लगा, लेकिन दोनों के जज्बात और एहसास एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। एक बेहद खुश था और दूसरा उसके बरक्स दुख और गुस्से में था। कुत्ते ने सोचा कि उसका पुराना मालिक इसकी बहादुरी पर बहुत खुश होगा और उसे प्यार करेगा, जबकि बरोही नौजवान समझ रहा था कि दुकानदार के हाथ से भाग आया है और उसके लिए शर्मिंदगी और जिल्लत का बायस बना है। बेशरम कुत्ते, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। तुम नालायक और नमक हराम हो। कुत्ता बेचारा अपने मालिक के पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन मालिक ने उस पर कोई तवज्जो न दी। इतने काबिल फ़खर और वफादार जानवर के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। उसे यकीन हो चला उसका पुराना मालिक कबूल नहीं करेगा, लिहाजा वो गम की शिद्दत से वहीं ढलवानी रास्ते पर गिर गया और दम तोड़ दिया। नौजवान जब दुकानदार के पास कर्जा वापस करने पहुंचा तो उसे हकीकत का इल्म हुआ। दुकानदार ने उसे बताया कि उसने कुत्ते के गले में कुत्ते की रिहाई और कर्ज की माफ़ी का पर्चा लिख के बांध दिया था। दुख, उदासी और पछतावे का बोझ लिए नौजवान वहाँ से रवाना हुआ। हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन उस नौजवान के दिल में तो दुख और पेशमानी की तपश थी। उसने अपने मरे हुए महबूब कुत्ते को बोरी में डाला और पहाड़ की चोटी पर कब्र खोदकर उसे दफना दिया। आज भी इस वफादार और काबिल फ़ख्र कुत्ते की कब्र उस पहाड़ की चोटी पर मौजूद है, जहाँ साल के 12 माह ज़बरदस्त ठंड रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह ने के बाद।